जी राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। सुबह के बज रहे हैं 9 बज गए और ये ना मेरे पीछे पिछारी जिम्मी और सिम्मी नाम रखे, अब मैंने इनके नाम चेंज कर दिया। वो मेरे से लिए नहीं जाते थे, शानू ने रखे थे, तो अभी ये किए यहाँ पे। बाकी तो क्या करना गिर गई, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, ये देख तू गिर गई, मैं क्या करना। ठहर जा तू, बस ये पीछे पीछे बैठ से बैठ जाती, बैठ जा गंदा जा। तो अभी मैं जा रही हूँ घास को, है ना फोन नहीं उठाया जाता, ऐसे ऐसे नहीं उठाया। हाँ अभी मैं जा रही हूँ घास को और काटूंगी, मैं सिर्फ लाऊंगी नहीं, तो आप लोगों ने भी चलना। चलो रास्ते से बहुत बार देखा है आपने वहाँ का रास्ता भी, सब कुछ खेत। चलो आज खेत दिखाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए खेतों की तरफ नहीं गई, तो अभी चाहती हूँ और दिखाती हूँ। तो चलो ये रही मेरी राटी, और आपसे कुछ बातें भी करूँगी मैं आज, ज़रूरी ज़रूरी बुरी। मैंने भी जाना बोल रही है कि बोल रहा है पता नहीं। हाँ देख तो, देखो तो क्या चली, क्या जाना, क्या जाना था, जा पर जा, पर जा, ओ जा पर, क्या जाना, चल पर। हाँ नहीं जाना, देखो ये बोल रही है कि मैंने भी जाना, ये देखो अच्छा अट आते भी आते भी मुझे जान दे जाते भी जाओ भी जा। और ये जो कूल है ना, ये आ रही ऊपर से, बरसात के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जो ऊपर टैंक है ना वहाँ से आ रही है, ये पानी बस ऐसे ही बह जाता है। ये गांव के घर हैं, ये रास्ता ऊपर को चला गया सड़क को, और ये रास्ता बौड़ी को और खेतों को चला गया। और ये पानी का वो खूबसूरत सा नजारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कभी कभी कैमरा फोकस नहीं करता है ना। ये बांस है इन फूलों को लगा देख के ना मुझे याद आती है कि मैंने लगाए थे ये फूल, मैंने लगाए थे यहाँ पे पंचायत में, उस टाइम में वार्ड मेंबर थी तो वहां से लेके आई थी पंचायत घर से। बहुत ही खूबसूरत नजारा, ये है मंदिर, मंदिर की पौड़ियाँ, ये देखिए ये पानी का टैंक है जहाँ से पूरे गांव को सप्लाई जाती है। नए लोग जुड़ रहे हैं ना उनके लिए मैं दिखा दे रही हूँ, बाकी जो पुराने हैं उन्होंने तो काफ़ी बार देखा है यहाँ पे।
देखो नए नया जो बांस आता है ना वो इस तरह से, ये देखो ये नए म्यानू बोलते हैं इनको, ये जो ये वाले हैं ना ये नए म्यानू हैं, ये तो पुराना है ना हरे वाला, ये जो दूसरा वाला एक यहाँ पे ये वाला ये नया बांस है, ये यहाँ तक है अभी ये देखो, और यहाँ से बाकी ये पुराने वाला बांस है बहुत ऊंचा। आजकल रास्ते ना सूख गए हैं, आजकल नहीं है ज़्यादा दिक्कत रास्तों में। और ये देखिए मंदिर यहाँ पे बहुत ही सुंदर, जीना पहाड़ा दा। ये देखो ये देखिए खीरे की बेलें बिल्कुल रास्ते को झूल रही है। तो ये देखो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, चलो मैं आपको ये दिखा देती हूँ पहले। ये देखो खीरे ये खेतों में लगा के रखते हैं ना ये बेले, तो एक यहाँ पे ये देखो, तो इस तरह से ये देखो चढ़ी है पेड़ों के ऊपर को। मक्की और कितनी फसलें उगाता है किसान है? कितनी सारी फसलें उगा लेता है किसान है। देखो इसमें खीरा भी है, इसमें मक्की भी है, इसमें पहाड़ी राजमा भी है जिसको पहाड़ी राजमा बोलते हैं ये वाली बेलें जो, और इसमें रोंगी भी है, रोंगी दाल होती है ना ये रोंगी है, ये रोंगी की बेल है। ये देखो और कहाँ को आ रही हैं बेलें रास्ते से, बहुत छोटे छोटे रास्ते होते हैं और डरने का बड़ा गिरने का बड़ा डर होता है इनसे। तो ऐसा है हमारा पहाड़ी जीवन। और चलो अभी हमने ऊपर जैसे काटना घास, और देखो चारों तरफ मक्की के खेत दिखेंगे आजकल आपको, बहुत सारे खीरे हैं। ये की यहाँ पे खीरा ये देखो ना 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 मेरे ना। ये देखो यहाँ पे काटूंगी मैं घास, और ये पानी है अभी घास के ऊपर ना बहुत ज़्यादा पानी है, गिल्ला है। और चलो काट लेती हूँ मैं भी, मैं आपको काटते हुए नहीं दिखा सकती, जब मैं काट दूंगी मैं ले नहीं जाऊंगी, बस ऐसे ही काटूंगी, सिर्फ लेके नहीं जाऊंगी मैं। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ कुछ और ना दिखाओ, बस पहाड़ दिखा दिया करो, कोशिश रहती है मेरी यही कि हाँ। ये देखो मौसम कल से थोड़ा सा मतलब ये, बाकी और दिन तो धूप रहती थी। ये होता है हमारे, ऐसा घास होता है हमारे। उसके बाद मैं बोल दूँ, मैं भूल जाऊँगी, नहीं तो पता है मैं फिर भूल जाऊँगी, अगर मैं काम लग गई ना करने, फिर मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ जाऊँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी। कल बहुत सारे कमेंट आए थे कि शरारत खाने गए थे आप तो वहाँ पर गीत क्यों गा रहे थे, तो मैं आपको उस बात का रिप्लाई दे देती हूँ। पता क्या हुआ, मेरा वीडियो छोटा सा बना 5-6 मिनट का, तो मुझे उसे 8-9 मिनट का तो बनाना ही था है ना, तो मेरे पास वो क्लिप ना पिछली पड़ी हुई थी जिस दिन हम शुक्ला के घर गए थे ना उस दिन की वो क्लिप थी, तो मैंने 2.5 मिनट की, तो मैंने वो उठाई और वहाँ पे डाल दी। वो क्लिप श्राद्ध से भी पहले की थी, हाँ ना श्राद्ध के बीच में ही थी, तो पर हो गया उसको कोई 1 हफ्ता हो गया था, तो वो मैं लोगों ने अब पता, लोगों का क्वेश्चन भी सही था, कई लोगों को नहीं पता होता कि एडिटिंग करके बनती है वीडियो 8 मिनट की, तो ऐसा होता है ना जिनको नहीं पता हो कि हम ना पता नहीं कल की क्लिप्स परसों हम शूट करके रख देते हैं सारी है ना, और फिर जब हम एडिटिंग करने बैठते हैं तो हम अच्छी अच्छी क्लिप्स उनमें छांट के जो हमें लगता है कि हमारे व्यूवर्स को पसंद आए वो डाल देते हैं। मुझे भी ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा नहीं डालनी चाहिए थी पर मुझे ध्यान नहीं रहा कि हम शरारत में ये जा रहे हैं, लोग ऐसा ना सोचे, पर सोचने का नहीं है, मैंने बता दिया कि वो जो क्लिप थी ना वो 8 दिन पहले की थी, तो जिस दिन हम शुक्ला के घर में गए थे तो वहाँ पे भी श्राद्ध था, पर हमारे पता है इस चीज़ को क्या मानते हैं, पवित्र
और ये मानते हैं कि खुशी होके जो है हम जो अपने पितरों को भोजन दे रहे हैं। और हाँ, इमोशनल पल तो होते ही हैं, वो तो सबको होता है, लेकिन गीत नहीं गाते, ये मैं आपको बता दूं, गीत नहीं गाते श्राद्ध के बीच में। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया था। ठीक है, अभी मैं काट लेती हूँ घास, फिर मिलती हूँ आपसे घास काट के जस्ट। ठीक है, हो गया मेरे पास घास, पसीना देखो आप, पसीने से तर बतर, तर बतर ही बोलते हैं ना, हो गई हूँ। और अभी ना रस्सियाँ निलाई, मैं घर से ही आ गई थी मतलब। तो ये देखो, ये ब्यूल होता है, ये इसके ना बाण होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको करके। अभी देख लिया आपने, ये देखो कई लोगों के होता होगा, ये ब्यूल के छाटे बोलते हैं इसको, ब्यूल की डल, इसका बनाते हैं हम वो बाण, बाण मतलब रस्सियाँ बनाते हैं इसकी, घास बांधने को। और पता क्या होता है, काम तो मैं ऐसा लगता है ना, जब मैं कुछ ना करूँ तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जैसे घास काटा ना मैंने, तो इस वाली बाजू से काटा ना, ये लेफ्ट लेफ्ट है, ये वाली राइट है, आपको उल्टी लग रही होनी इसमें। तो ये ना अब यहाँ से नसें तो खींचती हैं यहाँ की, अब यहाँ पर ना बहुत दर्द हो रहा है, तो भाई घर बैठे बैठे ना मैं तो मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे को ये डर बहुत है। मेरे को तो ये डर बहुत है कि मैं अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी, देखना एक दिन की दवाई रह गई मेरे पास, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी डेली की। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं बाण। ये देखो मक्की के खेत नीचे तक सारे हमारे ये, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है ना, आपको पता नहीं, आपको ढंग से नहीं दिख रहा हूँ, मैंने ट्राईपोड लेके आई, मैं इसको ऐसे यहाँ से ये करते हैं, ये टूटता नहीं ना, ऐसे ऐसे चीरते हैं इसको। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको गांव का कल्चर, तो मेरा तो ये काम है छोटी छोटी चीजें दिखाना। कई लोग बोलते हैं कि ये क्या दिखाते रहते हो, भी मेरा काम ही है हिमाचल के कल्चर को दिखाना। ठीक है, ये हो गया ना दो, तो ये गांव के काम है, छोटी छोटी चीजों से मैं आपको रूबरू करवाती रहती हूँ। जैसे हम रस्सियाँ नहीं लाते घर से, तो हम क्या जुगाड़ करते हैं, ये जुगाड़ करते हैं हम। फिर ये देखो, देखना आप ऐसे, और इसमें ऐसे गांठ दे देते हैं। ये देखो ये देखो, ये रस्सी बन गई ना, ये देखो। बस ऐसे ही मैं सभी को कर लेती हूँ ना, फिर मैं आपको बताऊंगी बांधते कैसे हैं। तो ये देखो, ये रस्सियाँ हमारी बन गई है, और बस इतना सा डिस्टेंस रखते हैं हम बीच में। ये देखो, पता है दूसरा हो ना कोई शूट करने, अब दूसरा कौन आएगा शूट करने भाई, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। नसीब साडे लिखे रब ने, कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडे लिखे रब ने। चलो गाना हो गया, अभी मैं गाना सुनाऊंगी आपको, है ना, ये घास की गड्डी लगा के आपको गाना सुनाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो, ये काटा मैंने घास, कुछ ये है और कुछ ये है यहाँ पे। अब एक पूड़ा ऐसे रख दिया, अब दूसरा इसके साइड में रखेंगे, ये लो जी दूसरा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब दो आगे रखेंगे, ये देखो दो दो पीछे रखे ना, दो ये आगे रखते हैं, और 6-7 पूड़े से ज्यादा नहीं ले जा सकते आजकल बरसात में। अब दो फिर से पीछे रखने, ये दराटी ना सीधी पड़ी थी, तो ये देखो। बांध दिया मैंने घास, ये देखो ये हैनी की गड्डी है, और ये नीचे शानू की गाड़ी है, और इतनी अब इतनी दर्द लग गई ना इस साइड, यहाँ पे पूरे नीचे को, बाजू से नीचे को बहुत दर्द। अब आप बोलोगे कि आप क्यों गए, आप रेस्ट क्यों नहीं करते, पता है क्या है, बच्चे ना उंगली काटते हैं, हन्नी ने 2 बार उंगली काटती घास काटते हुए, मेरे साथ वो आए तो बात कुछ और है, और दूसरा रीज़न क्या है कि आजकल वो आ भी जाने थे मेरे साथ, तो पर क्या है उनके लगे हैं पेपर। ठीक है, और अभी मैंने फ़ोन किया था हन्नी को, मैंने कहा भाई, बोला मम्मी क्लास सॉरी पेपर शुरू हो चुका है और मैं 12 बजे तक फ्री होऊंगा, तो अभी टाइम 11 बज रहे हैं, 10:30-11, तो ये जो है अब वो 12 बजे लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं पिलाऊंगी उतने को पानी पशुओं को, और बस ऐसे ही, पता है ये सांस क्यों चढ़ा, दर्द की वजह से मेरे को बहुत दर्द हो रही है अभी इस बाजू में, अब ये बाजू हिलाया नहीं जा रहा। तो ये हमारे यहाँ पे मक्खियों का कुछ ऐसी ऐसी हुई है, बस अभी थोड़े दिनों में हो जाएगी,
और फिर आगे जो है अब मैं खाली जा रही हूँ घर को, मैं ले ही नहीं जा सकती, नहीं चाह के भी नहीं ले, मैं पता सोच रही थी, मैंने कहा मैं उसके ऊपर ले जाती हूँ, पीठ के ऊपर ले जाती हूँ, पर नहीं नहीं ले जाया जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मैं ले जा सकती हूँ। ओहो बहुत दर्द हो रही है, चलो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बाकी मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। और एक गीतांजलि है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या मैं यहाँ पे बोल दूँ यूट्यूब पे या आपके या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी जो आपने पूछा है। तो गीतांजलि कांगड़ा से, तो आप बता सकती हैं मुझे कमेंट करके, और बाकी मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। मैक्सिमम यही क्वेश्चन था कल की, शराद में गीत क्यों गाए, तो ये शराद में गीत नहीं थे, ये पहले की क्लिप्स थे, ठीक है। और चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और दुपट्टा मेरा ऐसे रहता है घर में, मैंने ये बांधा क्योंकि ये बार अभी ये तो नीचे को, अभी इसको मैं से ऊपर को कर देती हूँ क्योंकि मुझे ना बड़ा पता क्या हुआ है आजकल, मैं एक बात बता दूँ, चलते चलते आपने बोला बात को बढ़ा रही है, बढ़ा नहीं रही हूँ, मुझे याद आ गई अचानक से ही। तो पता क्या है, ये मैं यहाँ पे वो करती थी ना, रबड़ लगाती थी ऐसे खुले बाल ऐसे, यहाँ पे वो बोधू जैसा क्या बोलते हैं उसको, उससे भी दर्द होती है, फिर मैं अब चोटी लगी करने ढीली जैसी, और इस दुपट्टे से भी दर्द होती है, और ये जो ये कॉलर है ना, ये मुझे इससे भी मेरे को ऐसा आड़ा जैसा लगता है यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि इससे भी दर्द हो रही है, ऐसा हो रहा है, इसको मैं चेंज करूँगी। तो चलो बस यहीं पर मैं अब एंड कर रही हूँ वीडियो का, तो बाय बाय।